सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद सुशांत के केस में जांच पूरी तरह रिया चक्रवर्ती की तरफ घूम गई है। सीबीआई ने सुशांत के केस में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी रिया और उनके परिवार को शामिल किया गया है। इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपने स्तर पर सुशांत के अकाउंट्स ट्रांजैक्शन और उसमें रिया चक्रवर्ती और उनकी भूमिका के बारे में जांच करनी शुरू कर दी है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि रिया चक्रवर्ती के पास मुंबई के खार ईस्ट और नवी मुंबई में फ्लैट भी है। इसके बाद ईडी ने रिया से इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी सहित उनके पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की मांग की है। हालांकि हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ को रिया चक्रवर्ती के कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रिया ने खार ईस्ट का फ्लैट 2018 में खरीदा था। रिया के पक्ष का ये भी दावा है कि उन्होंने ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में आने से काफी पहले खरीदा था। कहा जा रहा है कि रिया के इस फ्लैट के लिए उनके पिता ने 60 लाख रुपए का लोन लिया था। बता दें कि रिया ने भी पूछताछ में ये दावा किया था कि ये फ्लैट लोन लेकर खरीदा गया था। रिया के इस फ्लैट की कीमत इस समय लगभग 85 लाख रुपए है। इसके बाद शुक्रवार को रिया से हुई पूछताछ में ईडी ने इस प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछताछ की थी। ईडी का कहना है कि रिया के इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी के कागजात देखने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी इनकम को क्या क्या सोर्स थे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसके बाद ईडी ने इस मामले में अपनी जाँच भी शुरू की थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों का मानना है कि रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद सुशांत पूरी तरह से बदल गए थे। उनके कुछ दोस्तों ने यह भी कहा कि रिया ने उनको सबसे दूर कर दिया था। अब सुशांत के गुजरने के बाद उनके पिता ने भी रिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बीते दिनों सुशांत के पीए रहे अंकित आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रिया की जिंदगी में आने के बाद वो काफी डल हो गए थे। अब उनकी और एक एक्स असिस्टेंट सबीर अहमद ने भी ऐसे कई खुलासे किए हैं। सबीर ने पिंकविला को बताया है कि रिया ने सुशांत को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया था और उनका पुराना स्टाफ निकाल दिया था। वो बताते हैं, पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे जाने के बाद काम कर रहे थे वो बताते हैं कि उन्हें हर बात के लिए रिया से पूछना पड़ता था। सबीर ने बताया कि जब हम कैप्री हाइट्स में थे, जबकि ये ड्यूप्लेक्स था, फिर भी मैं तो उसी फ्लोर पर रहता था क्योंकि हमें सुबह सुशांत सर को जगाना होता था। उन्होंने बताया कि नए स्टाफ से हमने सुना था कि उन्हें सुशांत सर तक जाने की इजाज़त नहीं थी। सब कुछ रिया को ही बोलना पड़ता था और वे ही सब कुछ करती थी। इससे पहले पीए रहे अंकित आचार्य ने बताया था कि रिया के साथ रहने के बाद सुशांत काफी डल हो गए थे। उन्होंने बताया था कि एक बार जब वे सुशांत से मिलने गए थे तो उनकी स्माइल गायब हो गई थी, डार्क सर्कल्स हो गए थे और उनके लिप्स भी ब्लैक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।